शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार के दिन कुछ खास कार्य करने से शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। आइए दोस्तों जानते हैं इस दिन हम लोगों को क्या काम करना चाहिए। शनिवार के दिन न्याय के देवता शनिदेव की पूजा की जाती है। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के कई उपाय किए जाते हैं। शनिदेव जिन पर प्रसन्न होते हैं उनके किसी भी काम में कभी भी बाधा नहीं आती है। शनिवार के दिन शनि की पूजा ही नहीं बल्कि हनुमान जी की भी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन कुछ खास कार्य करने से शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इन कार्यों से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी परेशानियां दूर हो जाती है। शनिवार के दिन सुबह स्नान के बाद मंदिर में जाकर तांबे के बर्तन में जल और सिंदूर मिलाकर भगवान हनुमान को अर्पित करें। इसके बाद उन्हें गुड़ चना और केला अर्पित करें। हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमन्ते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान हनुमान और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर उन्हें आक का फूल चढ़ाएं। शनिदेव को आक का फूल बहुत ही प्रिय है। मान्यता के अनुसार शनिवार के दिन शनिदेव को यह फूल अर्पित करने पर शनि की ढैया और साढ़े साथी से मुक्ति मिलती है। यह फूल चढ़ाने से शनिदेव की कृपा होती है और सारे बिगड़े काम खुद बनने लगते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करना अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर सुंदरकांड का पाठ करने से भगवान हनुमान और शनिदेव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से हर समस्या का निवारण होता है। अगर आपका कोई काम काफी लंबे समय से अटका हुआ है तो हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली के तेल व सिंदूर से बजरंग बली का अभिषेक करें। जल्द ही आपके रुके हुए सारे कार्य पूरे होंगे। शनिदेव की पूजा पास के किसी मंदिर में जाकर करना उचित होता है। इनकी पूजा करते समय इनके सामने दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसके बजाय किसी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।